ये उम्र तो बस तजुर्बों की कहानी है, हर आंखों में आंसू और हर आंखों में पानी है। एक छोटी सी कहानी जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देती है हमें। एक छोटा सा बच्चा जिसे पप्पी से यानी पिल्लों से खेलने का बड़ा शौक था, यही 4-5 साल की उम्र थी और उसके पिताजी हमेशा उससे डांटा करते थे कि क्या तू पिल्लों विल्लों में रहता है, क्या पप्पी की बातें करता है, और इससे बढ़िया पढ़ाई कर, आगे बढ़, कुछ बड़ा कर। बच्चे का मन था और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसे जितनी बोला नहीं पिल्ले लेकर के आने हैं। तो उस बच्चे ने अपनी मिलने वाली पॉकेट मनी में से डेली डेली कुछ कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए। वो पैसे बचाता गुल्लक में डाल देता, पैसे बचाता गुल्लक में डाल देता। एक दिन उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए, उसने सोचा कि अब मैं गुल्लक को फोड़ देता हूं और आज बाहर जाऊंगा, एक पिल्ला लेकर ही आऊंगा। तो उसने उस गुल्लक को फोड़ा और पैसे काउंट किए, यही 1,000 रुपए उसमें बैठे। लड़का बड़ा खुश, बोला पप्पी आ जाएगा, मैं उसके साथ खेलूंगा। पैसे को लेकर के बच्चा खुशी खुशी घर से बाहर चला गया दौड़ता हुआ, बोला आज मैं पिल्ले लेकर के आऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, खूब मस्ती करूंगा, बहुत अच्छी तरह रहूंगा। अब जैसे ही वो पप्पी वाले की दुकान पर गया तो बहुत निराश और हताश हो गया, जब उसने देखा कि प्रत्येक पप्पी की कम से कम कीमत 12,000 या 14,000 रुपए के आसपास है, उसके पास केवल 1,000 रुपए है। दुकान के पास तकरीबन आधा पौन घंटे वो खड़ा रहा। आधा पौन घंटे खड़े होने के बाद जब दुकानदार का ध्यान एकाएक उसकी ओर गया तो उसने पूछा कि बेटा कैसे खड़े हो। उसने कहा कि मुझे पप्पी चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, मेरे पास तो 1,000 रुपए है। तो दुकानदार काफी देर उसे देखता रहा, फिर बोला बेटा इतने से नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा है घर चले जाओ, जब पैसे और हो जाए तब तुम आ जाना, तब ले जाना। बच्चा फिर भी खड़ा रहा, बोला नहीं मुझे तो पप्पी लेकर के जाना है, मैं आज पप्पी लेकर ही जाऊंगा और मैं उसके साथ खेलूंगा। दुकानदार फिर थोड़ा सा उसको देख करके थोड़ा सा असहज हो गया, उसने कहा चलो ठीक है। वो दुकान के अंदर से लेकर के चला गया। जैसे ही वो दुकान के अंदर एक स्टोर रूम के अंदर से लेकर के गया तो बाहर से 4-5 उस बच्चे की ओर पिल्ले भागते हुए आए। उसने कहा देखो इनमें से कोई पसंद कर लो। बच्चे का ध्यान उन भागते हुए पिल्लों को छोड़ करके अंत में आ रहे एक पिल्ले पर चला गया जो लड़खड़ाता हुआ धीमे धीमे चल रहा था। बच्चे ने उस पिल्ले की ओर देखा और उस पिल्ले को अपनी गोद में उठा लिया। दुकानदार बच्चे को बड़ी हैरानी से देख रहा था और बच्चे ने इशारा करते हुए दुकानदार से पूछा कि साहब इसका क्या प्राइस दोगे, इसका क्या प्राइस दोगे। तो दुकानदार बोला बेटा ये अपाहिज है और ये कभी जीवन में चल नहीं सकता, ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकता, तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम छोड़ो इनमें से कोई और पसंद कर लो। तो बच्चा बोला नहीं मुझे यही चाहिए, आप इसकी कीमत बताइएगा और मुझे तो यही लेकर के जाना है। तो दुकानदार बोला कि आप इसे फ्री में ही ले जाइएगा, मैं तो इसे वैसे ही खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, क्योंकि ये तो अपाहिज है, ये कोई खरीदेगा नहीं इसे, कोई कुछ नहीं करेगा, और तुम ऐसे ही ले जाओ इसे। तो बच्चा बोला नहीं, जितनी कीमत इन पिल्लों की है, जितनी कीमत इस पप्पी और पप्पियों की है, इतनी ही कीमत मैं इस पप्पी की भी देना चाहता हूँ। तो दुकानदार बोला बेटा पागल मत हो, ये कभी चल नहीं पाएगा, कभी खेल नहीं पाएगा तुम्हारे साथ, क्यों बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। बच्चा नहीं माना, बच्चा जिद करने लगा। दुकानदार उसे बातें करते करते उस बच्चे के साथ काउंटर तक आ गया। दुकानदार ने कहा बेटा इसको मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट तुम ले जाओ, इसके साथ खेलो, इसके साथ खूब अच्छी तरह से रहो और तुम आराम से जाओ, इसकी तुम कोई भी कीमत मुझे मत दो। बच्चा दुकानदार के काउंटर से 2 कदम पीछे हटा, अपनी पेंट को उसने ऊपर किया। दुकानदार हक्का बक्का भौचक्का रह गया और आंखों में आंसू आ गए। बच्चा एक लोहे की रॉड के सहारे खड़ा हुआ था, बच्चे का आधा पैर नहीं था, पैर में रॉड पड़ी हुई थी और उस रॉड के सहारे बच्चा खड़ा था। दुकानदार बड़ा निराश हुआ, उसने बच्चे से फिर कुछ नहीं कहा। बच्चे ने कहा कि अगर मैं अपाहिज था, अगर मैं अपाहिज होने के बाद इस पल्ले को छोड़ करके चला जाता और इसको मैं यह आभास करा देता कि यह अपाहिज है, तो फिर अगर मुझे भी कोई नहीं स्वीकारता। तो जीवन में एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। कभी कभी जीवन में जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, लगता है कि ये कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग उन लोगों को पसंद भी बनाना चाहते हैं। तो जीवन के अंदर हमेशा अपाहिजों, जरूरतमंदों की मदद करते रहिएगा, खुश रहिए, आगे बढ़िए और एक ना एक काम समाज के लिए करते रहिए, क्योंकि जीवन सबको यही समाप्त करके जाना है, रह सब यही जाना है। तो एक छोटी सी कहानी बस यही प्रेरणा देती है कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर मिलूंगा एक अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आजाद परिंदे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। जय हिंद, जय मां भारती।